आप सभी को नमस्कार। मैं अंतिम, मैं पेरिस में यहाँ ओलंपिक खेलने के लिए आई हुई थी। कल मेरी बाउट थी, लेकिन मेरा दिन अच्छा ना होने की वजह से, मुझसे अच्छे से बाउट न लड़ने की वजह से मैं बाउट हार गई। और जो कल से ये बातें चल रही हैं कि भाई अंतिम की बहन को पुलिस पकड़ के ले गई है या फिर अंतिम को पुलिस पकड़ के ले गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल जब मैं बाउट हार गई थी तो उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। वैसे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो मेरी बहन जहाँ होटल में रहती है मुझे अपने साथ वहाँ लाने के लिए बोल रही थी। तो मैंने वहाँ से, मतलब इंडिया वाले से परमिशन ले ली थी कोच से कि मैं अपनी बहन के साथ में जा रही हूँ होटल में, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी तो मैं इसके साथ होटल में आ गई। यहाँ पे आने के बाद मैं, मतलब मुझे मेरे सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो सामान मेरा विलेज में था। तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं सो गई थी। तो फिर मेरी बहन मेरा एक्रीडेशन कार्ड लेके वहाँ पे विलेज में चले गई। विलेज में जाने के बाद उसने वहाँ पे ये पूछ लिया जाके कि भाई ये मेरी बहन का एक्रीडेशन कार्ड है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, क्या मैं उसका सामान अंदर से ले सकती हूँ। तो उन्होंने एक्रीडेशन कार्ड देखा और एक्रीडेशन कार्ड उससे ले लिया और वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ही, एग्रीडेशन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए ही उसे पुलिस स्टेशन लेके गए थे, और ना ही मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ मेरी बहन गई थी और भी सिर्फ एग्रीडेशन की वेरिफिकेशन के लिए, और एग्रीडेशन की वेरिफिकेशन करने के बाद उसे एग्रीडेशन दे के वापस भेज दिया था। और बोल रहे हैं कि भाई कोच ने गाड़ी वालों के साथ झगड़ा किया है, ऐसा कुछ नहीं था। जब कल मैं बाउट हार गई थी तो उसके बाद कोच भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो मेरी तबीयत ख़राब होने का कारण मैं तो जल्दी होटल में आ गई थी, लेकिन वो वहीं पर रुक गए थे। वो वापस आने के लिए बोल रहे थे। अब हमने उनकी कैब बुक की थी और वो होटल में आ गए थे। होटल में आने के बाद, मतलब लैंग्वेज अलग होने के कारण थोड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हमारे पास पूरे यूरो नहीं है, हम होटल में ऊपर जाके रूम से यूरो ले आते हैं, रूम में है यूरो। तो मतलब गाड़ी वाले को भी समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से, और वो क्या बोल रहा है ये, मतलब मेरे कोचेज को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मेरा एक कोच ऊपर से यूरो लेने के लिए आ गया, और मतलब रूम थोड़ा ऊपर होने की वजह से 5 मिनट लग गए लगभग जाने में यूरो लेके। तो नीचे इसी बात पे थोड़ा सा गाड़ी वाले के साथ झगड़ा हो गया था, और ऐसा वो तो बड़ा वो कुछ नहीं हुआ था जितनी मतलब बातें फैलाई जा रही हैं। और जो इंडिया आने की बात है, वो जब मेरी बाउट हुई थी उसके बाद मैंने फेडरेशन में, मतलब और साई में फ़ोन कर दिया था कि मेरी आज की या फिर कल की तो फ़्लाइट करवा दो, मैं वापस इंडिया आ रही हूँ। तो उन्होंने मेरी पहले से ही फ़्लाइट करवा रखी थी, ये सब कुछ होने से पहले ही मेरी फ़्लाइट हो चुकी थी इंडिया आने के लिए, मैं पहले ही इंडिया आ रही थी। और आप सभी से, मतलब मैं विनती करती हूँ कि भाई ऐसे बातें मत फैलाइए, पहले ही मेरा दिन कल का बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद।